मैं हूँ शैल। आज फिर मैं अपने चैनल शैल रवि ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं बताने वाली हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो प्लस टू के बाद में है, उनको कंफर्म नहीं रहता है या वो डाउट में रहते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं बताने वाली हूँ कुछ उनके लिए टिप्स कि आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि हर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो मैं बताने वाली हूँ जी कि नर्सिंग क्या होता है और नर्सिंग को कैसे करते हैं, इसमें कैसे एडमिशन लेते हैं और कितनी इसकी फीस होती है और नर्सिंग में कितने कितने कोर्सेस होते हैं, तो मैं सारा आज आपको बताऊंगी। कुछ लोगों ने मेरे अबाउट में जाके चेक किया होगा तो वहां पे देखा होगा कि मेरा नर्सिंग एजुकेशन का भी पॉइंट पड़ा है। तो आज मैं उसी पॉइंट के बारे में बात करूंगी, क्योंकि एक नर्सिंग फील्ड ऐसा है जिसमें हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इसमें सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं खुद एक नर्सिंग ऑफिसर हूं और इसमें मुझे बहुत सक्सेस मिली है। तो मैं आप लोगों को अपने व्यू और अपने आइडियाज देने की कोशिश करूंगी कि आप इसमें किस तरीके से सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाली हूँ कि आप इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो आज आप लोगों के सामने रखती हूँ। तो चलिए, तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं नर्सिंग के बारे में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी। तो नर्सिंग, नर्सिंग का मतलब होता है परिचायिका, और नर्सिंग के पॉइंट्स ये आपको मैं 5 पॉइंट्स में पूरा नर्सिंग का बता दूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट में आता है ऑल नर्सिंग कोर्सेस, नर्सिंग के कितने कोर्सेस होते हैं। नंबर सेकेंड पे आता है एडमिशन प्रोसेस एंड फीस, एडमिशन प्रोसेस क्या है यानी कि एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है और कितनी इसकी फीस लगती है। थर्ड नंबर पे आता है जॉब एंड वैकेंसी, कहाँ कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, कैसे कैसे इसकी वैकेंसी निकलती है। नंबर फोर पे आता है सैलरी, आपका पेमेंट कितना मिलेगा करने के बाद में। और फाइव नंबर पे आता है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, कितने इसके कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। तो चलिए हम बताते हैं फर्स्ट नंबर से ऑल नर्सिंग कोर्सेस। तो आते हैं फर्स्ट नंबर पे, नंबर फर्स्ट पे आता है ऑल नर्सिंग कोर्सेस। तो ऑल नर्सिंग कोर्सेस के अंतर्गत आते हैं तीन कोर्सेस। तो फर्स्ट कोर्सेस है इसका बीएससी नर्सिंग, बैचलर इन नर्सिंग, तो सबसे ये हाईली नर्सिंग में होता है। और नंबर सेकेंड पे आता है यानी कि बी नंबर पे जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और थर्ड नंबर पे एनएम आता है, एनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। तो चलते हैं, तो ऑल नर्सिंग कोर्सेज के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी एंड फुल फॉर्म क्या होता है ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो चलिए आते हैं बीएससी नर्सिंग, जो कि सबसे हाईली नर्सिंग में आता है। ड्यूरेशन इसका होता है 4 ईयर, यानी कि ये 4 साल में कंप्लीट होता है। और क्वालिफिकेशन इसकी योग्यता होनी चाहिए 10+2 यानी 12th पास साइंस से, जिसमें से सब्जेक्ट इंक्लूडेड होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 12th में 50%, यानी कि जो नंबर होने चाहिए आपके इंटर में वो 50% होना चाहिए। एलिजिबल मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों में से दोनों लोग कर सकते हैं इसको। कोई ऐसा नहीं है कि ओनली फीमेल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो नंबर सेकेंड पे आते हैं बी नंबर पे जीएनएम। जीएनएम क्या होता है, जीएनएम में क्या कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, इसका ड्यूरेशन होता है 3+2 ईयर। क्वालिफिकेशन इसकी होनी चाहिए 10+2 साइंस से, जो कि जैसे कि बीएससी नर्सिंग में बताया था पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और मिनिमम मार्क्स इसके 12th में होने चाहिए 50%, ये भी एलिजिबल मेल और फीमेल दोनों लोग कर सकते हैं। और नंबर सी पे आता है एनएम। एएनएम में होता है टाइम ड्यूरेशन, जो कि इसका टाइम चलता है 18 मंथ, मतलब 18 महीने का ये कोर्स होता है। और इसकी योग्यता ओनली 10 पास, यानी कि आप हाई स्कूल पास करके भी इसको, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। एलिजिबल केवल ये महिलाओं के लिए और गर्ल्स के लिए होता है, इसमें बॉयज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको फर्स्ट नंबर के बारे में बता चुकी हूँ, ऑल नर्सिंग कोर्सेज के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। और अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट में, जो कि है एडमिशन प्रोसेस एंड फीस। हेलो नहीं एडमिशन प्रोसेस
क्या है इसका, मेरिट बेस पे कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम से कर सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। इसकी फीस क्या है, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग की प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होती है और गवर्नमेंट कॉलेज में 30,000 से 35,000 तक के होता है। और ये डिपेंड करता है आप कौन सी जगह से कर रहे हैं, उसका अलग अलग चार्जेस पड़ता है। और एनएम की फीस होती है लो देन जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग से कम होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट ऑल नर्सिंग कोर्सेस एंड सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, एडमिशन प्रोसेस एंड फीस। तो आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे, जो कि है जॉब एंड वैकेंसी। तो इसकी जॉब एंड वैकेंसी कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो एम्स हॉस्पिटल में कर सकते हैं, रेलवे हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं, डिफेंस हॉस्पिटल में कर सकते हैं, नर्सिंग होम में भी जॉब कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल हाउस में कर सकते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी में कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर में कर सकते हैं, एंड टीचर्स या ट्यूटरिंग भी कर सकते हैं। आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, लेक्चरर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसके 3 पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि फर्स्ट ऑल नर्सिंग कोर्सेज, एडमिशन प्रोसेस एंड फीस आप पूरी तरीके से जान चुके हैं। और थर्ड पॉइंट भी मैंने कंप्लीट कर दिया आप लोगों के सामने, जॉब एंड वैकेंसी। आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है सैलरी। सैलरी बीएससी नर्सिंग की सैलरी होती है 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक, जो कि ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर जॉब करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो आपकी अलग बनती है, और यूपी स्टेट की है तो आपकी अलग सैलरी बनेगी, क्योंकि सेंटर के अलाउंसेस अलग रहते हैं और यूपी के अलग रहते हैं। और नंबर सेकेंड जीएनएम पे क्या होता है, 35,000 से 70,000 के बीच में मिलेगी, और एनएम वालों को 25,000 से 55,000 के बीच में रहती है। तो फ्रेंड, 4 पॉइंट इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आते हैं 5 पॉइंट में, इस 5वां पॉइंट है इसका कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, जो कि मैं बता दूं कुछ फेमस है तो उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल दे रही हूं आप लोगों को। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, जिसको बोलते हैं एम्स, वो पड़ता है न्यू दिल्ली में। और दूसरा इसका है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी, वेल्लोर एंड तमिलनाडु में। और थर्ड है इसका मद्रास मेडिकल कॉलेज, जो कि पड़ता है चेन्नई में। और फोर्थ है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, महाराष्ट्र में। और अदर प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, जो कि आप कहीं भी इसका डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो गैस, आप समझ चुके होंगे, और आई थिंक मैंने नर्सिंग के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल दे रखा है और बता दिया है। तो आप लोग इस फील्ड में उतरिए, और ये फील्ड आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, और मेडिकल फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है नर्सेस की, क्योंकि आजकल का ऐसा टाइम चल रहा है और मेडिकल में बहुत ही ज़्यादा नर्सों की ज़रूरत होती है। और हमारी नर्सेस जो होती हैं, जी तोड़ मेहनत करती हैं, और वो हॉस्पिटल की बैकबोन भी कहलाती हैं, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ओनली 2 मिनट 10 मिनट्स के लिए विजिट करने के लिए आते हैं, लेकिन ऑल टाइम आपको नर्सेस ही मिलती हैं वहाँ पे। तो आप लोग इस पे गौर करिएगा, ये इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग आइए, और आपको अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पे आप जाइए, और उस वहाँ पे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनल जानकारी दे दूंगी। और चलते हैं इसी कड़ी के साथ, हम लेते हैं विदा। और फ्रेंड्स, कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।